इसको भी रख दो ऐसे, जाते समय पांच सौ रुपए इसको ऐसे भी फोल्ड करके रखो, ये कंटिन्यू कर देना जाते समय। अब ये क्वेश्चन देखो, अब छोड़ दो उसको, इस ये क्या है, कौन सी इक्वेशन है ये, जिसमें पावर टू होता है उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके कितने रूट्स होने चाहिए, दो रूट्स होने चाहिए। ये भी क्या चीज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके भी कितने होने चाहिए रूट्स, कौन सी इक्वेशन के रूट्स आप निकाल सकते हो, इसके निकाल सकते हो, इसके निकाल सकते हो, इसके नहीं निकल सकते क्योंकि ये P और Q है, इसमें तो डिजिट्स हैं, इसके निकल सकते हैं। कैसे निकलेंगे इसके रूट्स, अगर इसके रूट्स निकालने हो तो इसके फैक्टर्स कर लो, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए 6, 2 3 या 6, सम या डिफरेंस क्या आना चाहिए, -5 या 5 लिख लो या 6 लिख लो, कौन से फैक्टर्स बने 6 और 1, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है ना, 5 कब आता है, इन दोनों को माइनस करें तो 5 आएगा, माइनस करने पर अपोजिट साइन, बड़े वाले नंबर का साइन तो ये हो जाएगा माइनस और ये अब प्लस। अब क्या क्या फैक्टर्स हुए बताओ, क्या लिखना है इसको, 2x² - 6x + 1x - 3, क्या कॉमन लिया इन दोनों में से, 2 और x, क्या बचा यहाँ पर, x - 3 + 1 कॉमन लिया तो x माइनस, प्लस माइनस हमेशा प्लस माइनस माइनस 3, तो क्या फैक्टर्स होंगे इसके, x माइनस 3 और 2x + 1, ये तो इसके फैक्टर्स हैं, हैं वो ठीक नहीं ले सकते, नहीं उसमें प्रोडक्ट नहीं आएगा, प्रोडक्ट माइनस 6 है ना, यहां पर प्रोडक्ट होना चाहिए माइनस 6, उसमें नहीं बनेगा। अब बताओ ये तो इसके क्या हो गए फैक्टर्स, जीरोस कैसे निकलेंगे, जीरो से उसमें प्रोडक्ट माइनस 6 नहीं आएगा, 3 और 2 दोनों माइनस हो गए तो प्रोडक्ट प्लस 6 आता है, उसमें नहीं बनेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो क्या इसके फैक्टर्स हैं, इसके जीरोस कैसे आएंगे, पहले फर्स्ट फैक्टर को इक्वल टू जीरो डाल दो, उसके बाद सेकंड फैक्टर को जीरो के इक्वल डाल दो, अगर फर्स्ट को जीरो डाला तो x इज 3 और सेकंड से x इक्वल टू -1/2, तो क्या क्या जीरोस है इसके, 3 और उसके -1/2, ये दो इसके जीरोस हैं ना, ठीक है। उन्होंने कहा इसके जो जीरोस है वो इसके जीरो के डबल है, इसके जीरोस क्या है, इसके जीरोस के डबल है, इसके इसका डबल क्या क्या हुआ, अगर इसका एक जीरो 3 है तो इसका डबल होकर क्या हो जाएगा, एक जीरो तो इसका 6, दूसरा जीरो इसका डबल कर दो, इसका डबल मींस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो -1, तो इस इक्वेशन के जीरोस पता चल गए, क्या क्या इसके जीरोस, 6 और -1। अब क्या करेंगे आगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये बाकी क्या करेंगे, इसके जीरोस, एक तो 6 इसका जीरोस है, इसका डबल, और एक क्या है इसका जीरो -1। अब क्या करना चाहिए, ए बी सी क्या, अगर इसी क्वेश्चन पूछे, ए क्या है, x क्या का कोफिशिएंट 1, बी क्या है जो x का कोफिशिएंट है, p नहीं है -3, x का कोफिशिएंट p नहीं है -3, और c क्या है हमारे पास, q, तो हमारे हिसाब से क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस, कौन कौन से जीरोस है इसके, इसके जीरोस कौन से, उसके डबल है ये और ये जीरोस है, तो दोनों जो जीरोस है उन दोनों को जो सम करें प्लस करें, सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये होता है ना सम ऑफ द जीरोस। इसके जीरोस कहां से निकले, क्वेश्चन में कह रखा है कि इसके जीरो निकाल कर, ये इसके जीरोस है, इस इक्वेशन के जीरो क्या थे, डबल थे, इसका डबल हो गया 6, इसका डबल क्या हो गया -1, तो ये इसके जीरोस है, तो जीरोस ये है, तो सम ऑफ द जीरोस मींस इन दोनों को प्लस करें तो इज इक्वल टू -b अपॉन a, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या हुए, इन दोनों जीरोस को, ये प्रोडक्ट मींस इन दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करें तो जो भी प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आना चाहिए, c अपॉन a। अब आगे इसको कैसे करेंगे, 6 प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 6 माइनस 1, तो क्या कहेंगे हम, 5 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3, ये तो आ गया, और 6 इनटू माइनस में क्या होता है, माइनस 6 इज क्यूब, बस क्यूब निकालना था, ये आ गया, p निकालना है, ये आंसर। अब
बताओ गिवन क्या है स्टेटमेंट में कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं इसके रूट्स क्या होंगे डबल जो भी इसके रूट्स हैं उसके डबल रूट्स इसके होंगे तो इसके रूट्स निकाल लो कैसे निकाल आपने क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर क्या क्या फैक्टर बने इसके माइनस का 6x प्लस 1x माइनस 3 क्या कॉमन लिया हमने 2x यहां पर क्या बचा x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 3 क्या फैक्टर्स हो गए इसके ये तो इसके फैक्टर्स हैं इसके जीरोस क्या हो गए सर 0 और क्या होगा इसके पहले इसको 0 के इक्वल डाल दो x 3 इक्वल टू ये तो फैक्टर्स थे इसके जीरोस निकालने तो इनको 0 डाल दो तो पहले से x 3 दूसरे से x क्या आएगा -1/2 तो इसके जीरोस क्या-क्या है 3 और -1/2 ये किसके जीरोस है इस पॉलीनोमियल के तो इसके जीरोस क्या है डबल इसका डबल कर दो क्या होगा इसका डबल कर दो 6 और इसका डबल करेंगे तो क्या आएगा -1 ये क्या है 6 और -1 क्या चीज है रूट्स ऑफ द फर्स्ट पॉइंट जीरोस है इसके इसके जीरोस इसके जीरोस का डबल है जो भी इसके जीरोस थे उनका डबल करके इसके जीरोस आ गए अब हम अगर ए बी सी पता करना चाहे तो क्या है ए बी और सी ए क्या है 1 बी क्या है -3 सी क्या है 0 अब सर कौन सा फार्मूला यूज करेंगे दो जीरोस हैं एक तो ये जीरोस और एक ये जीरोस इन दोनों जीरोस को ऐड करें तो इनका सम एक तो 0 6 है दूसरा -1 है इन दोनों जीरोस का जो सम है वो किसके इक्वल आ रहा है माइनस सम ऑफ द जीरोस होता है माइनस बी की जगह -p अपॉन ए होता है ना तो ये क्या होगा 6 माइनस प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 1 तो 5 इज इक्वल टू प्लस p तो p आ गया और क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इन दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करेंगे एक तो 6 है दूसरा -1 है इनका जो भी प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए c अपॉन a तो q अपॉन 1 इनको मल्टीप्लाई करा -6 इज q तो q की वैल्यू आ गया और p की वैल्यू आ गया समझ सकते हो यस क्या करना है पहले बताओ इसके जीरोस भी कैसे निकला हमने इसके फैक्टर्स करे ये इसके फैक्टर्स थे पहले फर्स्ट फैक्टर को 0 डाला फिर सेकंड को तो इसके जीरोस क्या-क्या आ गए हमारे आंसर 3 एक तो 3 का जीरोस है और दूसरा जीरो इसका क्या है -1/2 इसके जीरोस क्या कह रखा है डबल जो भी इसके जीरोस है उनका डबल जीरो जिसके है तो इसका फर्स्ट अगर 3 है तो इसका डबल क्या हो जाएगा 6 अगर इसका जीरो -1/2 है तो इसका जीरो डबल तो -1 ये इसके जीरोस हैं अब सर ए बी सी निकालना है ए क्या x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बी का मतलब क्या है x का कोफिशिएंट और सी का मतलब क्या है q अब इसके जीरोस क्या क्या है इस इक्वेशन के जीरोस एक तो 6 है और एक -1 दो जीरोस हैं इसके तो दोनों जीरोस का सम करें एक जीरो 6 है एक -1 है तो दोनों जीरोस का जो सम सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है -3 अपॉन बी बी की जगह ये -b अपॉन a तो 6 प्लस माइनस माइनस 6 -1 का 5 इज इक्वल टू p एक तो p आ गया और क्या यूज करना है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस एक जीरो तो इसका 6 है दूसरा जो जीरो है वो है -1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें जीरोस को फर्स्ट जीरो और सेकंड जीरो का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है सी अपॉन ए तो q की वैल्यू क्या होगा दिस इनटू दिस माइनस 6 तो p निकाल लो और इन दोनों की वैल्यू आ गई नेक्स्ट ये एक इक्वेशन है लिख रखा है इफ वन सम ऑफ द जीरोस इज -1 इस इक्वेशन में जो सम ऑफ द जीरोस है वो -1 है तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस बताओ इसका मतलब क्या होगा पहले सम ऑफ द जीरोस को क्या कहते हैं माइनस कभी भी सम ऑफ द जीरोस हो तो उसे क्या कहते हैं माइनस b upon a ये होता है sum of the zeros और sum of the zeros equal है -1 के पहले a क्या हो गया हमारे पास a किसे कहेंगे जो x square का coefficient है a plus 1 b का मतलब क्या है जो x का coefficient है और c का मतलब क्या है जिसमें x नहीं है तो 3a plus 4
सम ऑफ द जीरोस को क्या कहते हैं हम हमेशा माइनस सम ऑफ द जीरो जीरोस का जो सम होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए और सम ऑफ द जीरोस माइनस वन के इक्वल है तो पहले माइनस से माइनस कट जाएगा ना इस माइनस से ये माइनस ऊपर क्या लिख रहा है बी की वैल्यू क्या है बी की जगह टू ए प्लस अपॉन ए की वैल्यू क्या है ए की वैल्यू ए प्लस वन और इज इक्वल टू वन तो टू ए प्लस थ्री इज इक्वल टू ए प्लस वन आएगा इसको इधर लाए तो क्या होगा टू ए माइनस ए इज इक्वल टू वन माइनस थ्री तो ए इज इक्वल टू माइनस टू हमको निकालना है कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है बताओ कैसे निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को कहते क्या है सी अपॉन ए अब सी की वैल्यू क्या है हमारे पास ये थ्री ए प्लस फोर अपॉन ए की जगह पर क्या है ये वाला ए प्लस वन ये वैल्यूज निकालना है ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इसमें ए की जगह क्या रखना है हमको माइनस टू क्या हुआ ए की जगह माइनस टू रखा यहाँ पर थ्री ए की जगह माइनस टू प्लस फोर अपॉन ए की जगह माइनस टू प्लस वन क्या आएगा यहाँ पर माइनस सिक्स प्लस फोर तो क्या बचा माइनस टू नीचे बचा माइनस वन तो टू ये टू क्या आ गया प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस बताओ गिवन क्या इस इक्वेशन में क्या चीज गिवन है सम ऑफ जीरोस कि ये जो इक्वेशन है इसका सम ऑफ द जीरोस जो भी जीरोस का इसका सम है वो किसके इक्वल है माइनस वन तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमको फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है दिस वी हैव टू फाइंड बताओ स्टार्ट कैसे करें पहले ए क्या है जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ए होता है बी का मतलब क्या है जो x का कोफिशिएंट है और C का मतलब क्या है जो ये GA plus अब बताओ sum of the zeros को किसको कहते हैं sum of the zeros sum of the zeros किसे कहते हैं minus B upon A को कहते हैं sum of the zeros और जो भी sum of the zeros है वो equal है किस चीज के equal है minus one के अब minus से minus कर जाएगा तो B की value को ये b की वैल्यू डिवाइडेड बाय a की वैल्यू इज इक्वल टू 1 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2a plus 3 इज इक्वल टू a plus 1 तो ये हो गया a इज इक्वल टू माइनस 2 हमको क्या फाइंड करना है किसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का मतलब हो गया c अपॉन a और क्या है c अपॉन a ये c है दिस इज c अपॉन जो a ये वाला इसकी वैल्यू निकालना है ये है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ये क्या है ये फाइंड करना है जबकि ए की वैल्यू क्या है माइनस वन ए की जगह माइनस टू यहाँ पर डाला माइनस टू तो माइनस सिक्स प्लस फोर क्या आएगा माइनस टू ए की जगह माइनस टू प्लस वन तो माइनस वन ये कट के क्या आंसर आएगा टू ये टू क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हाँ राहुल बताओ क्या करना है क्या गिवन एक्सप्रेशन सर द सम ऑफ जीरोस और द पॉलीनोमियल इज माइनस वन इसका जो इस इक्वेशन का जो भी सम ऑफ द जीरोस है वो दे रखा है माइनस वन फाइंड क्या करना है हमको प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होगा आप हमें बताओ क्या करना है सर सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए पहले तो हम ए बी सी निकालेंगे ए क्या है बी क्या है और सी क्या है व्हाट इज ए ए प्लस वन व्हाट इज बी व्हाट इज सी अब बताओ सम ऑफ द जीरोस किसे कहते हैं सम ऑफ द जीरोस कहते हैं माइनस बी अपॉन ए को और जो भी इसका सम ऑफ द जीरोस है वो इक्वल है किस चीज के इक्वल है माइनस वन तो माइनस से माइनस बी का मतलब ये वाला आंसर बी डिवाइडेड बाय ए और जो भी बी अपॉन ए दैट इज वन अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा टू ए प्लस थ्री इज इक्वल टू ए प्लस वन तो ए इज इक्वल टू माइनस इसमें क्या रखना है ए की जगह माइनस टू रख दो क्या वो माइनस टू रखा था माइनस सिक्स प्लस फोर क्या आएगा माइनस माइनस टू प्लस वन माइनस वन तो ये क्या आ गया टू और फोर टू क्या है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड करना था तो उसका आंसर क्या आएगा
से इस इक्वेशन में ए क्या है बताओ, बी क्या है और सी क्या है? ए क्या है? थ्री। बी ही रहेगा, सी है माइनस फोर। इस इक्वेशन के दो रूट्स है, नहीं पता अल्फा और बीटा, इसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा और द रूट्स। अगर अल्फा बीटा रूट्स है तो क्या होगा इसका मतलब? दो चीज पता है, अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स है तो अल्फा और बीटा दोनों रूट्स का जो सम है, सम ऑफ द टू रूट्स, वो क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए होता है ना। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इन दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करें तो इनका जो प्रोडक्ट है वो होता है सी अपॉन ए। इस क्वेश्चन में फाइंड करना है हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है। बताओ क्या फॉर्मूला होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वो इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के, इक्वल थोड़ी ना होता है माइनस 2a। ये और ये इक्वल नहीं होता, अगर इक्वल होता है यहां पर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो ये फार्मूला बन गया। कभी भी आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना पड़े तो उसका फार्मूला ये हो जाए। तो अगर हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले अल्फा प्लस बीटा, कहां पर अल्फा प्लस बीटा? ये रहा sum of the zeros alpha plus beta is minus 11 by 3। क्या लिख रहे हैं इसकी जगह? minus 11 by 3 इसका whole square। अब minus 2 alpha beta क्या है? product of the zeros minus 4 by 3 is equal to क्या होगा? minus का square होता है plus 121 upon 9 minus minus plus 248 upon 3 LCM क्या आएगा? 9 121 plus 33 is 24, तो 145 by 9। ये क्या आ गया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही निकालना था। ठीक है, अब बताओ गिवन क्या है इसमें? ए बी सी क्या होगा इस इक्वेशन में? थ्री का मतलब 11, सी का मतलब माइनस 4। अल्फा और बीटा क्या है? अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स है या जीरोस कहते हैं, रूट्स एक ही बात है। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा इसके रूट्स है तो अल्फा और बीटा इन दोनों रूट्स का जो सम है वो इक्वल होगा किसके होता है? सम ऑफ द माइनस फिर बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करें तो इनका जो प्रोडक्ट है वो होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। अब हमको जैसे इसकी वैल्यू निकालना है अल्फा और बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ये वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे इसका आंसर? अगर हमको इसका आंसर निकालना है तो हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या एलसीएम आएगा? अल्फा और बीटा, एक तो अल्फा आएगा एलसीएम पे और एक बीटा। यहाँ पर क्या आएगा ऊपर? तो किस बीटा से बीटा कैंसिल हो गया बच्चा? अल्फा इनटू अल्फा, तो क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा कैंसिल हुआ, बीटा इनटू बीटा, बीटा स्क्वायर। अब ये भी बताया था इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और डिवाइडेड बाय नीचे क्या है हमारे पास? अल्फा। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा को हटाए तो क्या लिखेंगे? माइनस 11 बाय 3। क्या लिखेंगे यहाँ पर? अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस 11 बाय 3 और अल्फा बीटा को हटाकर क्या लिखना है? इस अल्फा बीटा की जगह माइनस 4 बाय 3 और नीचे भी अल्फा बीटा को हटाकर माइनस 4 बाय 3। अब आगे बताओ कैसे सॉल्व करा हमने? माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस 121 बाय 9 तो ये हो गया और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 8 by 3 और divided by ये वाला आंसर minus 4 by 3। उसे next step पे क्या करा? उसके वाले part का LCM, क्या LCM आएगा? 9। यहाँ पर 121 plus 3 जा 9 तो 24, नीचे minus 4 by 4। क्या आएगा इस पूरे का आंसर? 145 by 9 into में ये ऊपर जाएगा तो reverse हो जाएगा 3 अपॉन माइनस 4 3 3 9 क्या और ये क्या आंसर आएगा ऊपर? तो 145 नीचे आ गया माइनस का 12, ये इसका आंसर है। अब बताओ अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं तो अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा इज सी अपॉन ए, ये होगा ना।
अब आपको जैसे इस क्वेश्चन की वैल्यू निकालना है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा, इस पार्ट की वैल्यू निकालना है, बताओ क्या करना चाहिए सबसे पहले? एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा, क्या एलसीएम आएगा? अल्फा और बीटा, यहाँ पर अल्फा से अल्फा कट गया बच्चा, बीटा इंटू वन तो बीटा, प्लस बीटा से बीटा कट गया, अल्फा इंटू वन तो अल्फा, माइनस यहाँ पर क्या आएगा? जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करते थे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो अल्फा इंटू अल्फा तो अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा क्या हो गया? बीटा स्क्वायर। अब ये चीज क्या दिख रहा है आपको, बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा एक ही बात होती है, तो ये तो पता है हमको, क्या पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू? यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -11/3, उसके बाद क्या है? माइनस। इस चीज को क्या समझेंगे, ये क्या है? ये अल्फा का भी स्क्वायर है बीटा का भी स्क्वायर है, तो अल्फा बीटा का पूरे का स्क्वायर यही तो होता है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा का मतलब है -4/3 उसका होल स्क्वायर, और नीचे क्या लिखते हैं इसके नीचे? अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा है -4/3। अब बताओ क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, -11/3 ये क्या आएगा? माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 ही आएगा, लेकिन प्लस माइनस, -16/9 डिवाइडेड बाय -4/3। अब एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम आ गया? 9। यहां पर क्या आएगा? 3 3 या 9 तो 3 * 11 -33 -16 नीचे -4/3 क्या बचा ऊपर? -49/9 इनटू में रिवर्स हो जाएगा तो 3/-4 माइनस से माइनस 3 3 9 तो ये आंसर बचा 49/12 ठीक है। हाँ बताओ, अगर इसके रूट से अल्फा बीटा है तो हर्ष बताओ फिर क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द टू रूट्स इज इक्वल टू -b/a प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू c/a। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको वैल्यू निकालना है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा और माइनस अल्फा बीटा, इस पार्ट की वैल्यू बताओ क्या करना चाहिए? एलसीएम क्या आएगा? अल्फा और बीटा, यहाँ पर बीटा से बीटा कट गया, अल्फा इंटू अल्फा तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा बीटा स्क्वायर, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसको इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, उसके बाद अब बताओगे क्या करा हमने? इसका फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हटा दो, क्या फॉर्मूला होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसको हटाए तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है इस पार्ट का, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है, उसके बाद है माइनस, इसको क्या समझेंगे? अल्फा का भी स्क्वायर है बीटा का भी स्क्वायर, इसका मतलब अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, तो नीचे क्या हमारे पास? अल्फा बीटा। अब बताओ क्या करें उसके बाद? अल्फा प्लस बीटा को हटा दो, क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा -11/3, इस अल्फा बीटा को हटा कर यहाँ पर इसकी जगह ब्रैकेट में -4/3, इस अल्फा बीटा की जगह -4/3, यहाँ पर भी -4/3, बताओ पहले इसका आंसर क्या आएगा? माइनस का स्क्वायर तो प्लस, 121/9 प्लस क्योंकि माइनस माइनस प्लस 8/3, अब क्या आएगा? -16/9 क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16/9 तो यहां पर क्या आएगा? -16/9 डिवाइडेड बाय -4/3, ऊपर क्या आंसर क्या आएगा? 9, यहां पर क्या आएगा? प्लस 24 -16 अपॉन -4/3, क्या बचा? 145 में से 16 गया, 129/9 इनटू में रिवर्स हो जाएगा 3/-4 तो 129/-12 क्या जो 3 से तो 3 कट जाए कट जाए तो काट सकते हो, अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं तो क्या होगा बताओ? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू c/a, अगर इसकी वैल्यू निकालना है बताओ कैसे निकालना चाहिए इसकी वैल्यू? एलसीएम ले लो,
क्या चीज आएगा एलसीएम में? अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा? बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा, दोनों प्लस है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एक ही तो बात है। बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का मतलब ही क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब क्या करना चाहिए भाई? इसको हटा दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और क्या होता है? माइनस टू अल्फा बीटा, ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अपॉन में क्या लिखना है हमको? अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब आगे सोल्व कैसे करेंगे? अल्फा प्लस बीटा, क्या चीज है अल्फा प्लस बीटा? माइनस इलेवन बाई थ्री, अल्फा बीटा का मतलब है माइनस फोर बाई थ्री, और नीचे भी अल्फा बीटा की जगह माइनस फोर बाई थ्री। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 121 अपॉन 9, माइनस माइनस प्लस 8 बाई 3, और नीचे क्या हो गया? माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, और 16 बाई 9। इसका एलसीएम लेके रिवर्स करते हैं। अगर हम सारे इक्वेशन के ये इक्वेशन है, इसमें ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, बताओ? 2 माइनस है 2, बी है माइनस 5, सी क्या है 2। इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं तो अल्फा, अगर रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो सम ऑफ द टू रूट्स अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस, फिर ब्रैकेट में बी की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस प्लस 5 बाय 2। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा वो क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए, सी अपॉन ए क्या आएगा? 1। अब जैसे इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू निकालना है, बताओ कैसे निकालेंगे इस पार्ट की वैल्यू? एलसीएम क्या आएगा हमारे हिसाब से? यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा बीटा प्लस यहाँ पर अल्फा माइनस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब बताओ क्या करना है हमको? अल्फा बीटा, ये क्या चीज है ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा वो तो पता है 5 बाई 2 है, अल्फा प्लस बीटा तो है, ये अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हो गया? 5 बाई 2। ये अल्फा बीटा का मतलब क्या है? 1। यहाँ पर भी अल्फा बीटा का स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मतलब अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा 1 है। बताओ क्या आएगा ऊपर? 5 बाई 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3, तो 3 डिवाइडेड बाई 1 लिखो या ना लिखो। अब एलसीएम क्या आएगा? 2, यहाँ पर 5 माइनस 6 अपॉन 1, क्या बचा? माइनस 1/5, ये इसका आंसर। अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो क्या लिखेंगे बताओ? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी और अपॉन ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो 1 हो गया, ये क्या हो गया? 5/2। हमको इस पार्ट की वैल्यू निकालना है, बताओ कैसे निकालेंगे इस पार्ट की वैल्यू? क्या एलसीएम आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है? इसका तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अपॉन में क्या है? अल्फा बीटा। आप प्रूव कर देंगे, बताओ क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा क्या है? 5/2 उसका होल स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा की जगह पर क्या डालना है? 1, और नीचे भी अल्फा बीटा की जगह 1, क्या आ गया इसका आंसर? 25/4 माइनस 2 अपॉन 1 लिखो या ना लिखो, एलसीएम कितना आएगा? 4, यहाँ पर 25 माइनस 8 तो 17/4, ये आंसर ठीक है ना? इसमें ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, बताओ? 3 बी माइनस 10 और सी क्या है? 3। इसके रूट्स एम और एन है, एम और एन क्या है? रूट्स हैं इसके, एम और एन रूट्स होने का मतलब क्या है? इसका मतलब रूट्स अगर एम और एन है तो इन दोनों रूट्स का जो सम है, एम एक तो रूट एम है, दूसरा रूट क्या है? एन, तो
तो इन दोनों रूट्स का जो सम है वो क्या होता है, माइनस फिर बी फिर अपॉन ए, ये हो गया ना। अगर एम और एन रूट्स हैं तो एम और एन का जो सम है, दोनों रूट्स का जो सम है एम प्लस एन इज माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस प्लस, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एम और एन का जो प्रोडक्ट है वो हो गया सी अपॉन ए, क्या हो गया। इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू फाइंड करना है, एम अपॉन एन प्लस एन अपॉन एन माइनस टू एम ए, बताओ कैसे कर सकते हैं इसकी वैल्यू। कैल्सियम आएगा यहाँ पर एम इंटू एन, एन से एन कट गया, एम इंटू एम तो एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस टू एम स्क्वायर और एन स्क्वायर। उसके बाद क्या करा हमने बताओ, ये जो है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर जो है इसके लिए एक फार्मूला होता है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मतलब होता है m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2m n। ये किस चीज का फार्मूला है, ये यहां से यहां तक का, उसके बाद क्या है माइनस 2, इस चीज को क्या लिख सकते हैं m n का स्क्वायर m n का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या है एम एन। वैसे अब तो क्या करना है, वैल्यू निकाल दो, वो आंसर है। इसके रूट्स क्या है इस इक्वेशन के, इस इक्वेशन के रूट्स क्या चीज हैं, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। अगर अल्फा बीटा उसके रूट्स हैं तो अल्फा और बीटा रूट्स का जो सम है वो क्या होता है माइनस फिर बी और अपॉन ए, तो ये क्या हो गया प्लस, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो अल्फा इनटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए माइनस 1 अपॉन 1, ये हो गया। अब इस पार्ट की वैल्यू निकालना है, क्या करना चाहिए, अल्फा कॉमन है और बीटा कॉमन है, अगर अल्फा कॉमन लिया बीटा कॉमन लिया तो यहाँ पर तो बचा अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर, अब क्या करना चाहिए। और देखे ऐसे मत देखे उसको बोर्ड पे ध्यान समझो, पहले क्या लिखना है अल्फा बीटा तो लिखना ही लिखना है, इनटू में इसका जो फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब सारी वैल्यूज डाल दो, अल्फा बीटा का मतलब क्या है, ये वाला आंसर है, तो क्या लिखेंगे इसकी जगह माइनस 1 ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा 2 उस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 और अल्फा बीटा की जगह माइनस 1, ये तो है माइनस 1 इनटू में क्या आंसर बचेगा 2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस प्लस माइनस क्या हो गया 6 इनटू माइनस 1, तो क्या आ गया इसका आंसर माइनस 6। अब बताओ ए बी सी निकाल लोगे ना, ए बी और सी क्या रूट्स हैं इस इक्वेशन के, अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं इसके तो अल्फा और बीटा का जो सम है अल्फा प्लस बीटा वो क्या होना चाहिए माइनस फिर बी अपॉन ए, क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 2 और अल्फा बीटा क्या होना चाहिए सी अपॉन ए तो माइनस 1। हमको इस पार्ट की वैल्यू निकालना है, बताओ कैसे करा हमने, अल्फा कॉमन है दोनों में से बीटा कॉमन है, क्या बचा अल्फा, एक अल्फा कॉमन लिया एक बीटा तो बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा बीटा तो क्या लिखना है इसको हटाकर, इसका क्या फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा को हटाकर क्या रखना है यहां पर, अल्फा बीटा क्या है माइनस माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा है 2 2 का स्क्वायर तो 4 माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 1 तो माइनस 1 इनटू ये हो गया 4 माइनस माइनस प्लस 2
तो 4 प्लस 2 6 इनटू माइनस 1 तो माइनस आ गया इसका माइनस 6 ज्यादा सब समझ अगर इसकी जगह ये क्वेश्चन है इसकी वैल्यू निकालने पर निकाल के दिखाओ इसकी वैल्यू क्या होगी इसी की a b c अल्फा बीटा रूट इसका आंसर क्या होगा इसका इसका क्या फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा अब अल्फा प्लस बीटा को हटाकर क्या लिखेंगे हम 2 और अल्फा बीटा को हटाकर उसकी जगह माइनस 1 और नीचे भी माइनस क्या आएगा ऊपर 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन माइनस 1 तो 6 अपॉन माइनस 1 क्या कहते हैं इसको माइनस 6 सबका आएगा ये आंसर इसमें ए बी सी क्या है भाई ए क्या है मान बी क्या है अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं क्या मतलब अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है पहले लिखते हैं माइनस बी की वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में माइनस फिर बी फिर अपॉन ए तो माइनस माइनस प्लस 1 अल्फा बीटा क्या हो जाएगा सी अपॉन ए तो माइनस 2 अपॉन 1 तो माइनस अब इस क्वेश्चन में हमको वैल्यू फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बताओ क्या करना चाहिए एलसीएम लेंगे क्या एलसीएम आएगा अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर यहां पर क्या आएगा बीटा स्क्वायर प्लस यहां पर ये इससे कटेगा तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब आएगा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब अब क्या करना चाहिए हमको इसको तो हटा सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हटा कर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी तो यूज करते हैं क्या होता है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ये तो इसका आंसर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का तो ये आंसर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मतलब ये होता है उसके बाद है माइनस माइनस 2 है और अल्फा बीटा का होल क्यूब है होल क्यूब होता है ये अल्फा बीटा का होल और नीचे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर वैसा वैल्यू डाल दो अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास 1 तो ये अल्फा प्लस बीटा को हटाकर 1 रखते हैं अल्फा बीटा क्या है ये जो अल्फा बीटा क्या है माइनस 2 हो जाएगा और ये जो अल्फा बीटा क्या है अल्फा बीटा माइनस 2 ये भी अल्फा बीटा तो माइनस 2 अब बताओ क्या होगा आंसर 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 ये क्या होगा 16 प्लस आएगा माइनस माइनस 2 को 3 बार करना है माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 8 तो यहां पर है तो माइनस माइनस प्लस 16 नीचे माइनस 2 को 2 बार करने को आता है प्लस 1 तो क्या आंसर आएगा 21/4 ये आंसर इसके रूट्स अल्फा और बीटा है अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो इस पार्ट की वैल्यू निकालना है हमको बताओ कैसे करेंगे कॉमन पहले ए बी सी क्या है हमारे पास ए क्या है 1 बी क्या है सी क्या है अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो अल्फा और बीटा का जो सम है वो क्या होगा दैट इज माइनस फिर बी
अपॉन ए तो क्या हो गया प्लस वन, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा सी अपॉन ए तो माइनस टू। अब इसकी वैल्यू निकालना है, निकाल सकते हो करना एक बार इसका आंसर क्या होगा। अल्फा बीटा की जगह माइनस टू, अल्फा प्लस बीटा वन उसका स्क्वायर माइनस टू, अल्फा बीटा की जगह पर माइनस है ना, तो ये हो गया माइनस टू इनटू वन का स्क्वायर वन माइनस माइनस प्लस किस टाइप की इक्वेशन है ये, इसके दो रूट्स होंगे, उन्होंने कहा एक रूट अल्फा और बीटा दूसरा रूट्स है, तो हमको वैल्यू फाइंड करना है वन अपॉन, इस क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड करना है हमको 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू। करो कैसे करना है, करेंगे अल्फा बीटा तो इसके रूट्स हैं, तो पहले अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, फिर अल्फा माइनस अल्फा बीटा क्या होगा ना, पहले तो आप ए बी सी निकालोगे, ए का मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी का मतलब हो गया माइनस का 5 और सी का मतलब हो गया 4। अल्फा और बीटा इसके रूट्स है, तो अल्फा और बीटा जो रूट्स है उनका जो सम होता है, सम ऑफ द रूट्स हमेशा होता है माइनस, फिर ब्रैकेट में बी की वैल्यू अपॉन ए, तो माइनस माइनस प्लस 5, और अल्फा इंटू बीटा द प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स इज इक्वल टू सी अपॉन ए, 4 अपॉन 1 तो 4। अगर इस पार्ट की वैल्यू फाइंड करना है तो पहले आपने एलसीएम दिया होगा अल्फा और बीटा, यहाँ पर आएगा बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। सबसे पहले ये अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको पता है 5, तो ये जो अल्फा प्लस बीटा है इसकी वैल्यू हो गई 5। इसे क्या समझेंगे हम, अल्फा बीटा दोनों का स्क्वायर है, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, नीचे जो अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा को हटा कर रखना है 4, नीचे भी अल्फा बीटा की, यहाँ पर अल्फा बीटा की जगह 4, तो क्या आंसर आया 5 माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 टू जा 32 और डिवाइडेड बाय 4, ये प्लस है ये माइनस है, माइनस का 27 बाय 4, यह सही आंसर माइनस 27 बाय 4। क्या डाउट है, कुछ पूछे थे ना क्या, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा है, तो इस पार्ट की वैल्यू निकालना है। और क्या टेस्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, ओके रखते हैं टेस्ट, नहीं रखते हैं चलो एक वैसे कर लो, फिर अगला टेस्ट कर दूंगा ऐसे ही, करो सर ये सर ये
सर रख दो अभी आते हैं सको पहले एक दो क्वेश्चन करो फिर टेस्ट कर रखेंगे ऐसा ही क्वेश्चन करो एक पहले अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो इसकी वैल्यू निकालना है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा माइनस 2 अल्फा बीटा अच्छा समर कब तो जाना है अभी प्रॉब्लम कर लो हां सर उसे आप टेस्ट लेना है नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम रूट्स हैं टेस्ट नहीं है सर तो ही करना सर क्या आंसर आया भाई फाइव अपॉन माइनस ट्वेल्व फाइव अपॉन माइनस सिक्स माइनस सिक्स आ रहा है सॉरी यस सर माइनस सिक्स आ रहा है फाइव अपॉन माइनस सिक्स फाइव अपॉन माइनस सिक्स और किसका आंसर फाइव अपॉन माइनस सिक्स पहले ए क्या है इसमें बताओ व्हाट इज ए टू What is the value of b? Minus one. C क्या है? Minus three. Alpha और beta इसके roots हैं, zeros हैं. तो alpha plus beta क्या होना चाहिए? Minus. क्या होना चाहिए? Alpha plus beta minus. फिर b. फिर upon a. तो minus minus plus one by two. Alpha beta जब product of the roots is c upon a. तो minus three by. बताओ LCM क्या है इसका? What will be the LCM? Alpha और beta. यहाँ पर क्या आएगा? Alpha square plus beta square minus two. Alpha square और beta square. इसको हटा के क्या लिखना है इसका formula? Alpha square plus beta square क्या होता है? Alpha plus beta का whole square और minus two. ये तो इसका value है. और क्या लिखना है? Minus two. alpha square beta square upon alpha beta अब values डाल दो alpha plus beta ये क्या चीज है alpha plus beta 1 by 2 और alpha beta जो है alpha beta की जगह क्या रखना है minus 3 by 2 ये जो है ये क्या चीज है ये क्या alpha square beta square alpha beta का whole square alpha beta ये है इसका whole square यहाँ पे alpha beta बताओ next step में क्या लिखेंगे वन बाई टू का स्केयर क्या हो गया ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस थ्री टू से टू कट जाएगा मल्टीप्लाई में क्या बचा नेक्स्ट में क्या बचेगा पहले इसका स्केयर क्या होता है माइनस का स्केयर प्लस थ्री बाई टू का स्केयर करें तो नाइन बाई फोर तो प्लस माइनस माइनस क्या आएगा टू से टू कट जाएगा नाइन बाई टू अपॉन माइनस थ्री बाई टू अब एलसीएम क्या आएगा ऊपर का फोर यहाँ पर क्या आएगा वन प्लस माइनस एटीन और पूरे के आंसर में माइनस थ्री बाई टू ये प्लस के तो थर्टीन हो गए कितने प्लस के थर्टीन माइनस के एटीन तो माइनस का फाइव फाइव इनटू में रिवर्स हो जाएगा और टू अपॉन माइनस थ्री यही किसी का नेगेटिव साइन है अपन ये शुरू में जैसे तुम्हें माइनस जरा कौन मेरा भी यहां पे कर ये टेस्ट ऑफ क्वालिटी सब फेल होता मेरा नहीं मेरा मेरा ही होता मेरा सही था
इज नॉट द आंसर इट जो ये क्वेश्चन देखो भाई क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x स्क्वायर फिर x, जिसमें x नहीं है डिजिट है ये, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a क्या है हमारे पास 3, b की वैल्यू क्या है -8 और c की वैल्यू क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होने चाहिए, 2, और एक रूट जो है वो 7 टाइम्स का अदर है, दोनों रूट्स में क्या पता है, एक रूट मान लो अल्फा है, दूसरा रूट इसका 7 टाइम्स है, लिख रखा है ना 7 इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, इसका जो एक रूट है वो 7 टाइम्स है अदर का, मान लो इसका एक रूट अल्फा है तो दूसरा अपने आप इसका 7 टाइम्स हो गया, तो क्या हो गया 7 अल्फा। अब क्या लिखेंगे, सम ऑफ द रूट्स, कौन कौन से रूट्स हैं इसके, एक तो अल्फा इसका रूट और दूसरा इसका 7 टाइम है तो 7 अल्फा, इन दोनों रूट्स का जो सम है वो क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स होता है इक्वल टू माइनस फिर बी फिर अपॉन ए, क्या होगा 7 अल्फा प्लस अल्फा कितना होगा 8 अल्फा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 8/3, तो अल्फा क्या होगा इसका 8/3, तो यहां पर है ये 8 यहां से हटकर इनटू में 8 आ जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गया 1/3। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैसे निकालेंगे, एक रूट क्या है इसका अल्फा है और दूसरा रूट इसका 7 टाइम्स है, तो क्या होगा 7 अल्फा, इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट वो किसके इक्वल आना चाहिए, सी अपॉन ए और अपॉन में ए, ये हो गया ना, अब दिस इनटू दिस क्या होगा 7 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2k प्लस 1/3, इस अल्फा की वैल्यू क्या डाल देंगे अल्फा की जगह पर 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर करें तो क्या हो गया 1/9 इनटू 7, तो 7/9 इज इक्वल टू 2k प्लस 1/3, क्या हो इसको इससे करा तो 18k प्लस 9 इज इक्वल टू 21, तो 18k इज इक्वल टू हो गया 12, तो k इज इक्वल टू 12 अपॉन 18 6 2 = 16, क्या आंसर आ गया इसका 2/3। अब इस इक्वेशन में a b c कैसे निकालेंगे बताओ, सर a x स्क्वायर का कोफिशिएंट b x का कोफिशिएंट जिसमें x भी है और क्या दे रखा है, एक रूट क्या है 7 टाइम्स, 7 टाइम्स का जो भी एक रूट